लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर सेवन ए काउ इज टाइट विद द रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड ऑफ डायमेंशन 20 मीटर इनटू 16 मीटर फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज हियर ए रेक्टेंगल फील्ड ए बी सी डी ठीक है एक कॉर्नर पर हमने क्या किया काउ को बांध दिया है ठीक है और उसकी लेंथ जो है रोप की वो कितनी है 14 यानी कि इस टाइप से फोटीन फोटीन एंड फोटीन सेंटीमीटर तक ग्रेज़ कर सकती है यानी चल सकती है ठीक है तो हमारे पास अगर देखा जाए ध्यान से हमें पता है कि रेक्टेंगल में एंगल कितना होता है साइड्स के बीच नाइन्टी ठीक है और हमने उस कॉर्नर पर ही कोई भी कॉर्नर चूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन तो हमारे पास जो रेडियस यानी कि बिल्कुल ऐसा एक सर्कल फॉर्म कर रही है ठीक है हमारे पास यहाँ एक काउ है और वो एक इस टाइप से चिराई कर रही है ठीक है यानी कि वो इतने डिस्टेंट हमारे पास रोप टाइट है इसलिए हम ऐसा बोल पा रहे हैं अब देखो अगर हम देखा जाए ध्यान से तो ये एक सेक्टर का एरिया हुआ ठीक है वेयर द सेंट्रल एंगल इज़ नाइनटी तो आप यहाँ पर सेक्टर का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं वही हमारे पास क्या होगा जितने पे काओ ग्रेज कर सकती है वो एरिया आ जाएगा या आप ध्यान से देखो हमारे पास सर्कल में फोर पार्ट्स यानी फोर क्वार्टर होते हैं ठीक है ये वन ऑफ द क्वार्टर है ठीक है यानी कि एक क्वार्टर का एरिया है अब देखा जाए तो एक क्वार्टर का एरिया कैसे होता four, R2 quarter, है वन बाई फोर आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ वन क्वार्टर ठीक है तो इस टाइप से भी निकाल सकते हैं या आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं सेक्टर का सेक्टर का एरिया क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्र इंटू सेंट्रल एंगल अपॉन थ्री सिक्सटी तब भी हमारे पास कैलकुलेशन करने पर क्या आ जाएगा वन बाई फोर पाई आर स्क्र आ जाएगा देखो हमने सोल्व किया हुआ है एरिया रिक्वायर्ड वन बाई फोर पाई आर स्क्र आर कितना हो जाएगा जितनी लेंथ की रोफ है कितनी थी हमारे पास रोप की लेंथ 14, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी रेडियस 14, तो 1 बाई फोर ट्वेंटी टू बाई सेवन इज द वैल्यू ऑफ पाई एंड 14 स्क्वेयर तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर ठीक है हैंज द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर ठीक है तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन ही था आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा